यादव और शिवसेना द्वारा एसपी सिटी कार्यालय पर थाना मंझोला के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। आज शुक्रवार को शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दलाल के नेतृत्व में एसपी सिटी कार्यालय पर थाना मंझोला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें थाना मंझोला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रामेश्वर दलाल द्वारा कहा गया कि आज शिवसैनिक एसपी सिटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एसपी सिटी महोदय को सौंपे ज्ञापन में थाना मंझोला में अर्जुन सैनी, उसके पिता मिश्री सैनी और उसके ताऊ ध्यान सिंह सैनी गायब हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है और उसकी अर्जुन सैनी की आरोपी पत्नी शकुंतला को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही है और प्रार्थना देने वाली सोमती देवी के चारों लड़कों को पुलिस ने 151, 107, 116 में कार्रवाई कर दी है। पुलिस प्रार्थना पत्र देने वालों पर दबाव बना रही है। पुलिस हत्यारोपियों से हमसाज है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चौकी नया मुरादाबाद प्रभारी जितेंद्र तोमर गांगन पे अवैध बाजार लगवाते हैं, मछली का अवैध बाजार लगवाते हैं। पुलिस थाना मंझोला पुलिस निर्दोषों को फांस रही है और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाना मंझोला क्षेत्र में दर्जनों जगह वेश्यावृत्ति के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, सट्टे की खाईवाड़ी चल रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस उल्टा जो प्रार्थना पत्र देते हैं शिवसैनिकों को हड़का रही है। पुलिस शिवसैनिकों से कहती है कि थाना मंझोला के खिलाफ कोई शिकायत मत करो, कोई प्रदर्शन मत करो, वरना आपको फर्जी केस में जेल भेज दिया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। हम कई बार ज्ञापन प्रार्थना पत्र दे चुके हैं लेकिन हमारे प्रार्थना पत्रों पर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर शीघ्र योगी जी की पुलिस है और पुलिस काफ़ी ठीक है, काफ़ी नियम कानून का पालन हो रहा है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी काफ़ी नियम कानून का पालन करते हुए नजर आ रहा है, तो फिर आप इस तरह से क्लेम क्यों कर रहे हैं? थाना पुलिस कोई भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी आदेश देते हैं लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को थाना पुलिस गड्ढे में डाल देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है थाना पुलिस। हम दसियों ज्ञापन दे चुके हैं, दसियों प्रार्थना पत्र दे चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा प्रार्थना पत्र देने वालों को पुलिस धमकाती है। पुलिस यहाँ तक कि शिवसैनिकों को भी जाति सूचक गालियाँ देकर उन्हें हड़काया जाता है, फर्जी केस में बंद कराने की धमकी दी जाती है, फर्जी एनकाउंटर करने की धमकी दी जाती है, लेकिन शिवसैनिक कभी डरने वाले नहीं हैं। शिवसैनिक हमेशा पीड़ितों के साथ रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। अगर दो दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसैनिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे।